ही मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। आज से 3 साल पहले जब उत्तर प्रदेश का बहुत ही सुंदर शहर है श्री राम जी की जन्मस्थली है अयोध्या, वहाँ पे एक बार हम लोग जागरण करने गए थे। वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे आपको उन भजनों से कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा, चाहे जिस भजन को किस हिसाब से रखना है वो भी पता चलेगा। जैसे अगर कोई गा दे कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, लेकिन वहां के लोग अयोध्या के लोग गाते हैं कि अवध मेरा जो भजन की शैली है। वाकई अगर आपके सामने वो स्वर्गीय लता माँ का अगर गाना रखना हो तो कितनी अच्छी है, सभी ने सुना होगा, अधिकतर हमारी माताओं बहनों ने भी सुना होगा ये भजन। चाहे अभी जो मैंने गाया निमिया के डाढ़ भैया, इतने अच्छे से लोग डिफाइन करके गाते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि वैसा ही गाएं, तो मेरा उसी डायरी में से बड़ा प्यारा भजन है जो सुनाएंगे, उसके बाद अगली भजन गायिका को बुलाएंगे। बड़ा प्यारा गाती है, मैं भी चाहती हूँ कि बैठ कर उनको सुनो। श्री राम का नाम ऐसे लेंगे ना तो शायद कहीं ना कहीं कुछ जीवन में अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जब अंतिम समय भी आता है ना तो मुंह से श्री राम निकलता है। तो इसलिए जीवन भर भजन गाते रहिए और मन को कम से कम शांत रखिए। बाकी टाइम तो हम लोग गैर कानूनी काम ही करते हैं, कम से कम जो भजन का समय मिला उसको तो भजन में बिताइए। मिलके एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ मिलके गाइएगा, और अच्छा हाथ नहीं उठाना तो मीट बैठ के मीठी मीठी ताली बजा के गाइए कि मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है। छात चीर के हनुमान ने, छात चीर के हनुमान ने दिखा दियो सीरा, मेरे मन में बसे है राम, तन में बसे है। बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। भक्त कह रहा है कि जिस वस्तु में राम का नाम ना हो वो वस्तु हमारे
किसी काम की नहीं। कोई नई गाड़ी लेते हैं, पूजन कराते हैं, तो बोलते हैं ना, बोलो सियावर रामचंद्र की। कहीं यात्रा पे निकलते हैं तो भी एक बार राम जी का जयकारा लगाते हैं। कोई बाहुबली वाला काम करते हैं तो भी बोलते हैं जय श्री राम। और भजन भाव भक्ति मंदिर में तो हर कोई बोलता है। जिस वसु में राम न हो वह वसु न एक भजन और गाते घर में। जब लोग छोटे छोटे थे तो पता नहीं इधर की माए सुनाती थी कि नहीं, लेकिन हमारी दादी हमें सुनाती थी कि जिस भजन मेरा राम का नाम ना हो। आगे की लाइन जानते हैं भैया कि चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, धीरे करिएगा गोलू बाबू, कि चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, चाहे बीवी कितनी भी सुंदर हो उसे राज बचाना नहीं चाहिए। सही बात कि जिस भजन मेरा चलते चलते एक सवाल और पूछूं कि जब समुंदर पार कर रहे थे हमारे हनुमान जी तो पत्थर पे ऐसा क्या लिखा गया था कि पत्थर तैरने लगे थे? पत्थर पे क्या लिखा था? एक मिनट बंद कर दो भाई। पत्थर पे क्या लिखा गया था? क्या लिखा गया था? जय श्री राम। जरा एक बार और बोल दीजिए जय श्री राम। हमारी महिलाएं बोल रही हैं जय श्री राम ना? ना? ना नहीं ना, एक बार जरा बोल दीजिए, बोलिए जय श्री राम। मात मात अब माताएं बहनें हमारी सिर बोलेंगी, एक बार बोलिए तो जय श्री राम। अभी झगड़ा करा दीजिए, यहाँ की आवाज यहाँ से कम 5 किलोमीटर तक जाएगी और पता भी चल जाएगा कि चुनुआ की मम्मी अरे बलुआ की मम्मी झगड़ा कर रही है, पक्का पता चल जाएगा। कम से कम जयकारा तो प्रेम भाव से एक बार जोरदार लगा दीजिए, एक बार बोलिए जय श्री राम। चलिए भगवान, अब लड़ाइयों मत कीजिएगा, जयकारा नहीं निकला अब लड़ाइयों मत कीजिएगा। इन लोग का लड़ाई भी गजब होता, हाथ फेर के ना नहीं, बाकी आप लोग बहुत प्यारे हरे हरे। और कहना है कि राम नाम ले करके समुंदर अरे पार गए हनुमान, कि राम नाम ले करके समुंदर पार गए हनुमान, भजन और गाने के लिए मौका देती हूँ सबको। चलता रहे गोलू बाबू धीरे धीरे, एक भजन और गाने का मौका देती हूँ। मेरे साथ मिलके गाइएगा अगर याद होगा तो, अगर याद होगा तो समझ जाऊंगी कि हाँ भाई यहाँ पे भक्त बैठे हैं, वरना समझ जाऊंगी कि बस आए चले गए। हे दुख भंजन मारती